हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना देसी ब्लॉग 2.0। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था, देख सकते हैं ये दाग देख सकते हैं, और खून मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा भाग गया, मतलब एक महीना का बेड रेस्ट और समझ सकते हैं। और मैं परसों जाऊँगा फिर से हॉस्पिटल, हो सकता है 10-20 हज़ार का फिर से दवाई लिख दे, डॉक्टर बुलाया है एक महीना कंटिन्यू दवाई खाने के लिए। और मैं एक चीज़ आपको बताना देना चाहता हूँ, कभी भी बाइक चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो हेलमेट ज़रूर पहनें। उस दिन क्या हुआ, तो मैं अपने स्थानीय मार्केट गया था, तो मैंने सोचा जी 1 किलोमीटर के लिए मैंने क्या हेलमेट पहनूँ। हेलमेट वहाँ पर देखिए रखा हुआ है, दवाई के पास वहाँ देखिए वहाँ हेलमेट रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं लगा, भूल गया किसी कारण। बस यदि मैं हेलमेट लगाता तो मेरा ब्रेन फ्रैक्चर नहीं होता, उतना खून नहीं निकलता। करीब मैं एक समझिए तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि आईसीयू वेंटिलेटर पे चला गया था और बहुत कुछ खर्चा किया है, मतलब स्थानीय अस्पताल में स्थानीय लोगों ने हमको उठा के वहाँ पे ले गए। मुँह कान मैं देखे पूरा चेंज हो गया दोस्तों, कितना स्मार्ट लग रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरा सारा हालत ख़राब हो चुका है। एक महीना जब तक रेस्ट करेंगे तब तक ये सारा जब ठीक होगा, उसके बाद परसों जाएंगे काटा कटवाएंगे, करीब 22 काटा पड़ा हुआ है। तो मैं एक ही आग्रह करूँगा सर, कहीं पे भी निकलते हैं हेलमेट जरूर पहनें। और परसों जाएंगे हॉस्पिटल, फिर 20 हज़ार का दवाई लिख देगा, क्योंकि दवाई एक दवाई का कॉस्ट। चलिए मैं निकालता हूँ, पैर भी टूट गया, पैर कहीं नहीं निकल सकते हैं, लाठी के सहारे से चलते हैं दोस्तों। लाठी ले लिए हैं, लाठी के सहारे से हमको चलना पड़ता है। इतना भयानक एक्सीडेंट, टाटा का गाड़ी था, टाटा का कार था। देखिए एक दवाई का कीमत दोस्तों 800 से 900 हज़ार रुपया है, ये देख सकते हैं एक एक कॉस्ट इसका कितना है, कितना दवाई है। उस दिन जब मैं मतलब आया तो वहाँ पे वो 15-20 दिन रखता था। हम बोले सर मेरा घर नज़दीक है, ये पीछे ऐसा इशू होता है तो मैं आ जाऊँगा, तो बोले परसों आ जाओ। फिर से मैं परसों जाऊँगा हॉस्पिटल ही, वही रामशिला हेल्थ केयर, और जहाँ पे मैंने इलाज चला है, क्योंकि जहाँ से मैं दिखाया वहीं पे दिखाना चाहिए। डॉक्टर समझा हुआ है कि क्या केस है। कांटा देखिए, ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ कांटा पड़ा हुआ है, ये सब कटेगा, दाढ़ी को ये देखिए रस्सी की तरह निकला हुआ है, ये सब कांटा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये कांटा है, यहाँ पर कांटा लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ 22 से 25 कांटा पड़ा हुआ है। तो यदि मैं हेलमेट पहनता तो ये सब नहीं होता, इसी कारण से बस छूट गया दोस्त हेलमेट। तो मैं एक ही आग्रह करूँगा, कहीं पे भी जाए मार्केट सब्जी लेने तो हेलमेट जरूर पहनो। और मैं पटना से आया था, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, यूट्यूब तो मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, क्योंकि पापा के नौकरी छूटने के बाद यूट्यूब से ज़्यादा था अर्निंग करना, लेकिन पापा का जो सरकारी जॉब था वो छूट गया। हेलमेट था मेरे पास, हेलमेट था लेकिन नहीं पहन सके किसी कारण बस। तो मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, रिलायंस डिजिटल में जॉब करता था। एक दिन के लिए गांव आया था, मामा का लड़की के शादी था, बट वो भी वीकली ऑफ, साप्ताहिक छुट्टी में मैं गांव आया था। वहाँ का दवाई था, पटना से लेकर आया था गांव, और वहाँ का बीपी का हार्ट का दवाई था, वो मैंने ले लिया था। उधर बोला नहीं मिलता, चलिए ले लेते हैं ये से। उसके बाद मैं आया, भयानक एक्सीडेंट हो गया, एक टाटा का गाड़ी था, वो हमको ठोक के निकल गया। देखिए दोस्तों, वो लोग केयर, मतलब गाड़ी जिसका था उनको केयर करना चाहिए, भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन नहीं केयर किया, तो मैं हताश हो गया। 2.5 लाख रुपया लगना, 2 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है, अभी और लगेगा। तो मेरे पास भी कुछ सैलरी मिला था, वो था सैलरी का पैसा सिर्फ था, कि मैंने बताया था जो देखिए बिहार सरकार में क्या था ना, 22 से 25 आदमी को हम भी फैमिली के ऊपर थे, पापा जी पढ़ा रहे थे, घर से ही पैसा मिल रहा था, लेकिन उस सरकारी जॉब छूट गया 25 साल करने के बाद। समझ सकते हैं जो घर पे क्या स्थिति में होगा, क्योंकि 1 लाख रुपये आना अचानक बंद हो गया। मैंने काम पकड़ा, बहुत सारे कंपनी में काम किया, शुरू में मैं कम पैसा पे काम पकड़ा, उसके बाद मैंने देखा इस पैसा से नहीं होगा, तो फिर अपना टैलेंट को ग्रो करके मैं अच्छा कंपनी में काम पकड़ा। वहाँ पर मेरा सैलरी भी अच्छा खासा था, 18-19 हज़ार के आसपास, बट एक्सीडेंट की वजह से मैं एक महीना बैठना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन करूँगा, आप लोग कहीं पे भी निकलिए तो हेलमेट जरूर पहन लीजिए, तो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ नहीं हुआ। और वीडियो बनाएंगे, थोड़ा पट्टी वगैरह खुलेगा, हम तो सोच के आए थे गांव का ब्लॉग बनाए, वीडियो बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको ठीक होने में, रिकवरी करने में
1 महीना लग जाएगा, क्योंकि पैर टूटा हुआ, पैर का प्लास्टर खुलेगा। परसों बुलाया, परसों फिर से प्लास्टर करेगा। देखिए यहाँ पे ये काटा पड़ा हुआ है, तो इस प्लास्टर को काट देगा, इस प्लास्टर को काट करके, और यहाँ पे क्या करेगा, इस प्लास्टर को काटने के बाद ये काटा को यहाँ से काटेगा, फिर से यहाँ पे ये मेरा ये टूटा हुआ है पैर का जो होता है, ये टूटा हुआ, तो ये फिर से प्लास्टर करेगा, फिर से। तो मैं यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा दोस्तों, कहीं पे भी जाएँ मार्केट, सब्जी मार्केट, हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट से आपका प्रोटेक्शन होगा, ये मेरे सिर पे उतना खून नहीं निकलता, टाका वगैरह इतना नहीं पड़ता, लेकिन कितना टाका है, इधर टाका है, अंदर यहाँ से यहाँ टाका पड़ा हुआ है, दाढ़ी की वजह से नहीं पता चल रहा, लेकिन टाका तो पड़ा हुआ है ना। तो कहीं पे भी निकले, काम से प्राइवेट नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हेलमेट जरूर पहनें। सरकार इतना हेलमेट हेलमेट चिल्ला रही है, आप लोग इसका पालन करें। और मैं गलती कर दिया था, आया पटना से, तो मैं मार्केट में सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, उसमें हेलमेट का क्या जरूरत, रुका हुआ था, रुक के सब्जी ले रहा था, इधर कॉल आ गया, कॉल आने का एक टाटा का गाड़ी था ब्लू कलर का, उड़ाते हुए हमको निकल गया, गाड़ी में इतना डैमेज हो गया, 20,000 का खर्चा है गाड़ी में, हमको कोई ध्यान नहीं, पहले अपने स्वस्थ हो जाएंगे, फिर उसके बाद गाड़ी को ठीक कराएंगे, अरे गाड़ी हमको चलाना नहीं है अभी, 1-2 महीने डॉक्टर मना कर दिया है, रुका हुआ कुमार है, 5-7 साल से मेरा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, कोई भी बाइक को मैं चला लेता हूँ, चाहे अपाची हायाबूसा, कोई भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन मेरा गलती ही नहीं था, जो मार के भागा ना उसको सोचना चाहिए भाई, जो बच्चा को उठा करके हॉस्पिटल वो लोग नहीं ले गया, स्थानीय लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग जान प्राण लगा दिए हमको बचाने के चक्कर में, और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था, वैसे तो पंडोल ले जाता तो वहाँ पे मेरा कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि मेरे दोस्त का एक बढ़िया हॉस्पिटल खोला तरौनी का है, लेकिन रामशिला ले गए, रामशिला में भी अच्छा व्यवस्था था, ICU करीब, ऑक्सीजन सब कुछ था, तो वही पे सीना वगैरह में चुट्टा वगैरह लगा दिया था पूरा, और पंच कर रहा था, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया हमको बेहोश करके, फिर CT स्कैन करने के लिए ले गया, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, अब हम थोड़ा कुछ ठीक हुए हैं, जूस वगैरह बना करके रखते हैं, जूस देख सकते हैं, ये जूस है, जूस जितना ब्लड बनेगा, लेकिन अब बार बार मिक्सर चलाएंगे, अनार का जूस नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए खून देखते हैं ना, मेरा पीला पड़ गया पूरा बॉडी खून के कारण, एकदम लाल हो गया था मेरा बॉडी जब मैं पटना में था, क्या करें मजबूरी है, अब हो गया, वो दिन का दुख था, हम तो आकर, मेरा तो कोई गलती ही नहीं था, यदि गाड़ी वाला गलती है, लगन का समय था, बहुत पिकअप में गाड़ी चला रहा था, हम एकदम साइड दबा कर रुके हुए थे, वो गाड़ी से उड़ाते हुए हमको निकल गया, तो किसका गलती है, यदि मैं उस दिन हेलमेट पहने रहता तो उनको बॉडी में ही चोट लगता, और रुके हुए आदमी को ठोका उसको भगवान अच्छा नहीं करेंगे, देखना चाहिए जो भाई इसको लगा है नहीं लगा है, उसको उसी अपने गाड़ी में उठा के ले जाता, इंसानियत नहीं था उसके अंदर, हम कितना का एक्सीडेंट होता हम उठा के ले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इस पर भी मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर हो गया है ना, मोनेटाइजेशन जल्दी ही ऑन हो जाएगा, वॉच टाइम हो गया है, बस नहीं अप्लाई किया मोनेटाइजेशन को लेकर के, तो और कुछ वॉच टाइम होने देते हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा हमको सुइया लेना है, अब ऑर्डर आएगा तो सुइया पड़ेगा, इसलिए अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में, मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं बना पाते हैं वीडियो, क्योंकि दवाई खा करके ना सो जाते हैं, तो उठने का समय नहीं मिलता, कब उठे, क्योंकि 10-12 दवाई है, बताया 14,000 का दवाई लिखा था, फिर लिखेगा 10,000 का, पूरा 2 महीना आपका भी इलाज चलेगा, मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा चोट है, सिर्फ हेलमेट के कारण, यदि हेलमेट मैं पहनता ये सब मेरे साथ नहीं होता, आप लोग भी कहीं निकलते हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपना देसी ब्लॉग 2.0, और इसका एक फेसबुक पेज भी है विकास सर, मैंने विकास सर के नाम से पेज बनाया हूँ, उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।